हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन एजुकेशनल हाइक्स। मैं अभिषेक, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, तो पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जाओ देखो, रिवाइज करो और फिर आ जाओ इस पार्ट पे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर 7 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7.1 क्या बोल रहा है, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बी क्वेश्चन द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट। सो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है पावर। पावर क्या है, 100 वॉट है बराबर। दूसरा क्या चीज गिवन है, वोल्टेज, और ये कौन सा वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज है आपका सप्लाई वोल्टेज, दिख रहा है यहां पे 220 वोल्ट सप्लाई, इसका मतलब कौन सा, आरएमएस वोल्टेज। आरएमएस कितना है आपका 220 वोल्ट, ठीक है। फाइंड क्या करना है मुझे, रेजिस्टेंस, पहला पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करो। दूसरा क्या है, द पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, और थर्ड पार्ट क्या है, एंड द आरएमएस करंट, आरएमएस करंट मींस कैपिटल आई, ठीक है, याद आ रहा है सब कुछ। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर देख रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर, ठीक है, जहां पे आई क्या है, आरएमएस करंट है, ठीक है, और पावर। तो अब यहां पे मेरे पास क्या है, रजिस्टेंस गिवन है, हाँ, और आई खोजना है, आई नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, इस आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो पावर क्या हो जाएगा अपना, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर कैंसल, तो पावर क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो फाइंड करो पावर क्या है, 100, वोल्टेज कितना है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्या है, आर तो खोजना है, सो आर फाइंड करते हैं, तो 220 into 220, 100 इधर था, इक्वल टू का इस साइड लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 100, जीरो से जीरो कैंसल, जीरो से जीरो कैंसल, 22 into 22 कितना आना, 484 ओम, बराबर, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर नेक्स्ट पार्ट, तो अब बात करते हैं पार्ट बी का। पार्ट बी में हमें क्या करना है, पीक वोल्टेज खोजना है, तो पीक वोल्टेज क्या होता है, Vm इज इक्वल टू √2 टाइम्स आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज कितना है 220, और रूट टू की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 1.41 into 220, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अराउंड 311 वोल्ट, बी पार्ट मिल गया। अब फाइंड आउट करो आप लोग पार्ट सी, पार्ट सी में क्या करना है मुझे, आरएमएस करंट खोजना है, तो आरएमएस करंट कैसे खोजूंगा मैं, तो वी इक्वल टू क्या है, आई आर, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो, या आप लोग ये भी ले सकते हो, पावर इज इक्वल टू क्या है, वी आई, हाँ, पावर कितना है 100 वॉट, जो फॉर्मूला आपको पसंद हो वो फॉर्मूला यूज करो, पावर क्या है 100, वोल्टेज क्या है 220 into I, तो I क्या होने वाला है 100 डिवाइड बाय 220, तो आएगा कितना करंट आपका 0.4545 एम्पियर, ठीक है। सो ये है अपना पार्ट बी और ये है पार्ट सी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज। तो पहले
गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, तो अपने वो गिवन है इंडक्टर कितना है, इंडक्टेंस कितना है अपना 25 मिली हेनरी, मींस 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर हेनरी, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट, फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस मीन्स एक्सएल, ठीक है, इन द सर्किट, और आरएमएस करंट फाइंड करना है इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्स, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा क्या है 2πfL, 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ मीन्स 50, एल मीन्स 25, मिली मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो इसको, हाँ 2 इंटू 50 100 इंटू 3.14 314 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो मल्टीप्लाई करके मुझे इसका आंसर बताओ, ये भी कट करना, सो कहाँ बन जाएगा, सारे नहीं सारे डालो एक्सरसाइज में, कुछ नहीं, सो अब ये मल्टीप्लाई आप लोग करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इधर पे इतना वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर क्या है आपका 7.85 ओम, ठीक है, यह है अपना एक्सएल। अब बात करते हैं पार्ट बी की, पार्ट बी क्या है आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट क्या होना है, तो आरएमएस करंट होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल, जैसे आपका ओम्स लॉ था सेम वी इक्वल टू आई आर, उसी तरीके से कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, बस आर की जगह कौन है, आर की जगह कौन है यहां पे एक्सएल, ठीक है, याद रहेगा, तो ये क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यहां पे अपना क्या है वोल्टेज वी ही है, तो वी कितना है 220 डिवाइड बाय 7.85 करो कितना आ रहा है, तो आ रहा है कुछ 28 एम्पियर, ये अपना पार्ट बी, क्लियर, समझ गया सबको, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करते जाओ, ठीक है, एग्जाम आने वाली है उनको जरूरत होगी इसकी, ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ कैपेसिटर, ठीक है, प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है, एक लैंप कनेक्ट किया है मैंने जिसके साथ क्या है सीरीज में कैपेसिटर है, और मैं एक बार उसको एसी सप्लाई दे रहा हूं और एक बार डीसी सप्लाई दे रहा हूं, तो देखो पहले बात करते हैं फोर डीसी, बराबर डीसी सप्लाई के लिए क्या होना है, तो डीसी सप्लाई के लिए क्या होगा, तो मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूं, एक सेकंड जस्ट, हाँ ये है अपना पावर सप्लाई, ये है अपना पावर सप्लाई वी, और फिर यहाँ पे एक बार क्या है अपना लैंप, ये है लैंप कोई, ठीक है, ये बन गया लैंप, और लैंप के साथ कौन कनेक्टेड है,
कैपेसिटर, बराबर। लैंप के साथ कौन कनेक्टेड है? कैपेसिटर इन सीरीज। तो अब क्या होगा? तो जब डीसी सप्लाई है तो एक ये लैंप है, लैंप का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब ये है कैपेसिटर, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्स सी। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू क्या है? वन अपॉन ओमेगा सी। वन अपॉन ओमेगा सी मतलब वन अपॉन टू पाई एफ सी। तो अब टोटल इंपीडेंस खोजो। इंपीडेंस क्या होना है? हाँ, इंपीडेंस क्या होना? मैं चलो लैंप का रेजिस्टेंस मानता हूँ, आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर के लिए एक्स सी का स्क्वायर। तो ये आ क्या रहा है? आर स्क्वायर एक्स सी क्या है? वन अपॉन टू पाई एफ सी का होल स्क्वायर। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है डीसी के लिए? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो। तो जब डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? जीरो है। तो जेड क्या होगा? जेड होगा आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन जीरो। वन अपॉन जीरो क्या होता है? वन अपॉन जीरो होगा इन्फिनिटी। सो अगर मेरा इम्पीडेंस है, अब इन्फिनिटी में आर स्क्वायर ऐड करो, फिर उसका रूट निकालो, तो भी आना क्या है? इन्फिनिटी। तो अब अगर इम्पीडेंस इन्फिनिटी है, इम्पीडेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कह सकता हूँ अभी के लिए। तो अगर इम्पीडेंस मेरा इन्फिनिटी है तो करंट क्या होगा? करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। जेड क्या है? इन्फिनिटी है। तो जेड जब इन्फिनिटी है, वी अपॉन इन्फिनिटी, तो आना क्या है करंट? जीरो। इसका मतलब क्या होगा? ये जो बल्ब है, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बस होगा क्या, ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इधर पॉजिटिव, नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव, बस कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा और कुछ भी होना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया। नेक्स्ट, फोर, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के लिए क्या होना है? तो फोर, एसी सप्लाई के लिए क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे ये है अपना एसी, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ एक लैंप अगेन, हाँ ये रहा फिलामेंट और कुछ इस तरीके से, और यहाँ कौन कनेक्टेड है? यहाँ है कैपेसिटर, ठीक है। तो अब की बार इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस वापस से वही है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब क्या है? एसी करंट है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पाई एफ सी होल स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा? जेड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ जेड जीरो तो नहीं होगा, हाँ जेड जीरो नहीं होगा तो क्या होना? जेड की जो भी वैल्यू है तो उसकी वजह से करंट भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अगर मेरा जेड फाइनाइट है तो मतलब ये एफ फाइनाइट है तो जेड फाइनाइट है, जेड फाइनाइट है तो करंट भी क्या है? फाइनाइट है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और उसकी वैल्यू आएगी तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अब इसके बाद अगर मैं क्या करूं, इसके बाद मैं क्या करूं, अगर मैं कैपेसिटेंस डिक्रीज करता हूं, हाँ कैपेसिटेंस डिक्रीज करता हूं, चलो इसे घटा दो, हाँ इसे घटा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? इंक्रीज होगी। मतलब ये देखो इनवर्स है कि नहीं, तो अगर तुम सी डिक्रीज करोगे तो जेड क्या होगा? इंक्रीज होगा। जेड इंक्रीज होगा तो बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और अगर कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जेड क्या होगा? जेड डिक्रीज होगा। जेड डिक्रीज होगा तो इसका ब्राइटनेस क्या होना है? इंक्रीज होना है, ठीक है। मैंने दोनों केस बता दिया। देखो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था? एक ही केस पूछा था, हाँ केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस रिड्यूस होगा तो जेड बढ़ेगा। जेड बढ़ेगा तो बैटरी का जो मतलब सॉरी बल्ब जो ग्लो है वो क्या होगा?
उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अ 15 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट आरएमएस एंड पीक इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, बराबर? तो क्या होना है, सॉल्यूशन खोजते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस कितना है, 15 माइक्रो फेराडे, क्लियर। नेक्स्ट 220 वोल्ट है, हाँ, और फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। पूछ क्या रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पूछ क्या रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट मींस एक्ससी कितना है, आरएमएस कितना है और पीक कितना है। एक सेकंड, कौन सा आईएम मैक्सिमम करंट कितना है, पीक करंट इन द सर्किट, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं मैं, डबल कर दूं, तो क्या होगा, किसके साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट के साथ। तो क्या करते हैं, हाँ, सब कुछ गिवन है। तो एक्ससी क्या होता है, एक्ससी होता है अपना 1/ωc। एक्ससी क्या होता है, 1/ωc। ओमेगा क्या है, 1/2πfc, बराबर 1 2, पाई मीन्स 3.14, एफ मीन्स 50, सी मीन्स सी कितना है, 15 माइक्रोफेराडे, 15 × 10⁻⁶। तो अब क्या करोगे तुम, इसका मल्टीप्लाई करो अगेन 2 50 100 × 3.14, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सॉल्व करते बैठ गया तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक्स सी क्या आना है, एक्स सी आएगा 212 ओम, 212 ओम, ये है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ, क्लियर हुआ। अब क्या चाहिए, करंट। तो करंट क्या होना है, अगर मैं यहीं पे लिखूँ तो करंट होगा I = V/Xc, ठीक है। V/Xc क्या होगा, V कितना है, 220, Xc कितना है, 212, डिवाइड करो आ कितना रहा है, 1.04 एम्पियर, ये आया करंट। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम करंट भी चाहिए, तो आईएम क्या है, √2i, ठीक है। तो √2, 1.41, हाँ 1.41, एक सेकेंड, 1.41 और यहाँ पे क्या है, 1.04, तो आईएम क्या आया, आईएम आ रहा है आपका कुछ अराउंड 1.47 एम्पियर, क्लियर हुआ, ठीक है, दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो गिवन है, हो गया ये पार्ट। अब क्या बोल रहा है, एक बार ये हो जाने के बाद आरएमएस करंट पीक करंट दोनों बता दिया, अब फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी में डबल कर देता हूं तो एक्ससी क्या होगा, एक्ससी होगा आपका 1/2πfc, बराबर, जहां पे एफ डैश क्या है, 2 times f, मतलब 2 × 50 हर्ट्ज। तो यहां पे एक्ससी लिखो 1/2 3.14 एफ डैश 100 × 15 माइक्रो, हाँ, तो एक्ससी डैश, इसको क्या बोलते हैं, एक्ससी डैश बोलते हैं। तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, एक्ससी बाय 2, आधा हो जाएगा, जो भी यहाँ पे अपना कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसका आधा हो जाएगा,
देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूं मैं ना, ऐसे ये 2 × 50 लिख सकते हैं। तो जब 2 × 50 लिखोगे तो 2 को छोड़ के बाकी सब तो सेम है, तो ये आएगा क्या 212/2, तो आना क्या है 106 ओम, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल होगी, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बराबर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा भाई, आई डैश क्या होना है, वी अपॉन एक्स सी डैश। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया तो करंट क्या होना है, डबल हो जाना है 2i। हाँ समझ गए। देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो ये क्या है, वी एक्स सी डैश मतलब एक्स सी बाई 2। बराबर, अब ये जो है 2 इधर डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो i डैश क्या आएगा 2 × v/xc। और ये जो है v/xc, अभी हमने देखा ये क्या था 2 × i, क्लियर है, तो डबल हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू खोजनी है तो वैल्यू खोज सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सब एग्जांपल 7.5, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर 7.9। अब क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता, पूरा कवर कर लेता, इसी के लिए क्या है मैं अब यहाँ पे बता देता हूँ आगे क्या है। तो अब बोल क्या रहा है कि ये इंडक्टर है, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अगर कोई एक मेटल मेटल क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई मेटल रॉड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो बताओ ये बल्ब के ग्लो के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो हम जान रहे हैं कि अगर अगर मैं क्या करूँ, इंडक्टर में कोई मेटल रॉड इंसर्ट करता हूँ तो इंडक्टेंस क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। इंडक्टेंस राइज कर गया तो एक्सेल क्या कर जाएगा, एक्सेल राइज कर जाएगा। एक्सेल राइज कर गया तो आई क्या है, v/xl। तो अब एक्सेल राइज कर गया तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाए, करंट डिक्रीज कर गया, इसका मतलब बल्ब का ग्लो जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अ रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड अ कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराडे आर कनेक्टेड टू अ सीरीज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड एसी सोर्स। बराबर, कैलकुलेट द करेंट इन द सर्किट, ओके, कैलकुलेट द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। तो अब क्या किया जाए, तो है क्या, यहां पे एक रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस है 200 ओम, ठीक है, ये है अपना एसी सोर्स और ये है रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्टेड है कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफेराडे इन अ सीरीज 220 वोल्ट, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट, क्लियर है, और कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो अब होना क्या है, ये है 200 ओम का और ये कितना है अपना 15 माइक्रोफेराडे। तो मैं जान रहा हूँ करंट खोजने के लिए फॉर्मूला क्या है, v/z, ठीक है। अब z क्या है, z है अंडर रूट r² + xc² ठीक है। r क्या है 200 का स्क्वायर, एक्स सी क्या है 1/2πfc² ठीक है। तो यहां पे क्या आना है, ये 200 का स्क्वायर, ये कितना है 1/2 3.14, एफ कितना है 50, सी कितना है 15 × 10⁻¹, ठीक है, का होल स्क्वायर सॉल्व करो। 200 का स्क्वायर क्या हो जाना है, 4 × 10⁴, ठीक है,
अब इसको सॉल्व करो, 2 50 हाँ और ये 15 और 3.14, 3.14 इंटू 15, ठीक है। तो सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये आता है कुछ अपना एक्स सी की वैल्यू 212 का स्क्वायर, ठीक है, 212 का स्क्वायर। और ये इसका जब मैं स्क्वायर करके रूट निकालूंगा, स्क्वायर करके रूट निकालूंगा तो आएगा कुछ 292, अराउंड अराउंड 292 ओम जेड आया, ठीक है, ये जेड आ गया। अब क्या करना है, अब खोजना है मुझे करंट। तो करंट क्या है, वी अपॉन जेड, वी कितना है 220 वोल्ट और जेड कितना है 292। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपका अराउंड अराउंड 0.755 एम्पियर, बराबर। अब क्या है, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज को जो, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर क्या होना है, आई आर, आई कितना है 0.755, रेजिस्टेंस कितना था भाई 200, बताओ ये कितना आएगा, आएगा कुछ अराउंड 150 वोल्ट, ये है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आएगा आई एक्स सी, आई कितना है 0.755, एक्स सी कितना है, एक्स सी है आपका 212, हाँ एक्स सी कितना है अपना 212, ठीक है। तो अब ये आएगा अराउंड अराउंड 160 वोल्ट। तो अब टोटल वोल्टेज क्या होना, टोटल वोल्टेज होगा वी आर प्लस वी सी, जैसा आप करते आए हो अभी तक थर्ड चैप्टर में, हाँ कि हम क्या कहते थे वोल्टेज ऐड कर रहे हैं। तो वोल्टेज ऐड करोगे तो क्या है, 150 प्लस 160 मतलब अराउंड 310 वोल्ट, बराबर। दिया कितना था आपने 220 वोल्ट और मिल क्या रहा है आउटपुट में 310 वोल्ट, पॉसिबल है नहीं ना, तो हो क्या रहा है, कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं। तो गलत कहाँ जा रहे हैं, हमने क्या किया एसी के लिए डीसी वाले तरीके को यूज कर लिया, बराबर। पर जब हम एसी करंट की बात करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, तो हम क्या मानते हैं वोल्टेज क्या वेक्टर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम खोजना पड़ेगा। तो वेक्टर सम खोजो, तो वी क्या होना है अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। वी आर क्या है 150 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर। तो जब इसका रूट निकालूंगा तो आएगा क्या अराउंड अराउंड 220 वोल्ट, समझे, जितना इनपुट दिया था उतना ही आउटपुट मिला है, ठीक है। तो प्रॉपर मेरे साथ लिखते जाओ या फिर एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो ये है अपना पार्ट वन, स्क्रीनशॉट लिया लो, यहाँ तक जेड है। फिर इसके बाद पार्ट टू की बात करते हैं, ये वी अपॉन जेड, ठीक है, ये करंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपने को करंट मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट ये वाला पार्ट पैराडॉक्स सॉल्व हुआ, यहाँ पे हमने पैराडॉक्स सॉल्व कर दिया जो क्वेश्चन की डिमांड थी। नेक्स्ट क्या है, फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर सर्किट यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस। तो देखो, अगर आप पावर सप्लाई कर रहे हो, पावर सप्लाई कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V I cos phi, बराबर। अब अगर ये पावर फैक्टर आपका लो है, पावर फैक्टर क्या है लो है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ पावर तो सेम अमाउंट में सप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा,
करंट इंक्रीज करूंगा, करंट अगर मैं इंक्रीज करता हूं, करंट अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो पावर लॉस क्या होगा? पावर लॉस क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो करंट ज्यादा इंक्रीज करोगे तो पावर लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी के लिए अगर कॉस फाई छोटा है तो पावर, अगर मैं करंट इंक्रीज करूं तो पावर लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। एक्सप्लेन। तो पावर फैक्टर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? तो पावर फैक्टर को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो देखो, हाँ एकदम सिंपल है कि पावर क्या था, एक सेकेंड, वी आई कॉस फाई। अब पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो फाई क्या है? फाई है अपना टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। ये अपना पावर फैक्टर, मतलब ये फेज डिफरेंस फाई। तो अगर मैं क्या करूँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ाते जाऊँ या कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरी करते जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा? एक टाइम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ये, बराबर। एक टाइम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाँ, एक्स सी और एक्सएल वेरी हो रहे हैं तो मैं किसको वेरी कर रहा हूँ? एक्स सी को। एक्स सी को वेरी करते जा रहे हैं, एक्स सी को वेरी करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जब फेज डिफरेंस जीरो हो गया तो कॉस जीरो क्या है भाई? कॉस जीरो तो वन है। तो अगर आपने अप्रोप्रिएट कैपेसिटर यूज किया है, हाँ, तो क्या होना है? कॉस जीरो वन हो जाएगा। कॉस जीरो वन हो गया तो आपका पावर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव्ड बाय यूज ऑफ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस, ताकि सर्किट क्या हो जाए? रेजोनेंस में चली जाए। ठीक है, अब हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ पावर लॉस तो होता ही है। हाँ, पावर लॉस होगा ही। तो अब क्या कर सकते हैं इसको, अगर दूसरे तरीके से मैं समझाना चाहूँ तो वो भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके में क्या है, अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ देखो, हाँ वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ देखो, तो ये है अपना, मैं बोलता हूँ ये है I और ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, तो अब जो करंट है, हाँ, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, या फिर इसको कहता हूँ कि चलो ये है अपना वी आर, हाँ आई आर, और ये है टोटल करंट आई। ठीक है, टोटल करंट आई। तो अब यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है? फाई है। फेज डिफरेंस फाई था, और वोल्टेज के लिए कैसा था? आपको याद होगा कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट था वो क्या था? 90 आगे था, और इंडक्टर के लिए करंट क्या था? 90 पीछे था, बराबर। तो अभी के लिए ऐसे लिखते हैं कि एक करंट जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या है? आई क्यू डैश है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो है वो क्या है? आई क्यू है, बराबर। देखो, एक 90 आगे है, एक 90 पीछे। हाँ, तो अब क्या किया जाए? तो ये क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस का करंट है, और ये वाला इंडक्टर के अक्रॉस का करंट है। 90 पीछे होता है इंडक्टर वाला करंट, याद होगा। तो मैंने जब एसी वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर और कैपेसिटर एक्सप्लेन किया था सेकंड पार्ट में, तो नहीं सॉरी फर्स्ट पार्ट में, तो वो जाके देखो आप, तो वहां से क्लियर होगा। तो अब अगर मुझे ये फाई को क्या करना है? जीरो करना है। फाई को क्या करना है? जीरो करना है। तो ये क्या है, ये जो करंट आई है इसके दो कंपोनेंट है, ये लोग, ये आई क्यू और आई क्यू डैश। तो इसको जीरो कर दूंगा मैं। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस आई क्यू डैश को आई क्यू के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही है, इसमें जाने से बेहतर है अगर तुम ये देखोगे तो ये स्वीट सिंपल एकदम छोटा सा काम बन जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 25.48, सी इज इक्वल टू 796 माइक्रोफेराडे, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट।
सी पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एंड डी इज द पावर फैक्टर। तो हाँ क्या क्या चीजें खोजना है मुझे, सबसे पहले इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इंपीडेंस क्या होना है, जेड होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर क्या है, आर है थ्री का स्क्वायर, एक्स सी क्या है वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो जेड क्या होगा आर स्क्वायर वन अपॉन ओमेगा सी। हाँ ओ सॉरी, आर की जगह वैल्यू रखते हैं अब तो डायरेक्ट, या फिर लिखो ओमेगा गिवन नहीं है। ओके तो वन अपॉन टू पाई एफ सी माइनस टू पाई एफ एल होल स्क्वायर रखो वैल्यू। तो जेड क्या आना है, जेड आएगा आर मतलब थ्री का स्क्वायर वन अपॉन टू 3.14, एफ मीन्स 50, सी मीन्स 796 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 to the power -6। ठीक है एक सेकेंड, माइनस ओमेगा एल, ओमेगा क्या है 2, 3.14, एफ क्या है 50 और एल की वैल्यू क्या है 25.48 10 to the power -3 होल स्क्वायर। ठीक है अब इसको सॉल्व करो, ठीक है इसको सॉल्व करूंगा तो जेड की कोई वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू क्या आने वाली है। हाँ तो ये देखो, ये मेरे को याद है थ्री का स्क्वायर, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक आएगा फोर माइनस एट होल स्क्वायर। हाँ फोर माइनस एट होल स्क्वायर, तो जेड क्या आना है थ्री का स्क्वायर मीन्स 9, फोर माइनस एट माइनस फोर का होल स्क्वायर मतलब 16, तो जेड आएगा अपना 5। आया जेड, ठीक है सो जेड का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ये रहा ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है क्लियर है। अब क्या है, जेड मिलने के बाद क्या क्या खोजना है अपने को, इम्पीडेंस खोज लिया पार्ट ए, फेज डिफरेंस खोजो, फेज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस सोर्स एंड करंट। तो फाई क्या है, हाँ तो फाई है टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, बराबर। तो टेन इनवर्स फोर माइनस एट डिवाइड बाय थ्री, तो आया क्या टेन इनवर्स माइनस फोर बाय थ्री, तो माइनस बाहर, टेन इनवर्स फोर बाय थ्री क्या होना है 1.333। जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -53.1 degree। क्लियर है, फाइव निकल गया। नेक्स्ट सो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग मूव करते हैं किसके ऊपर, पार्ट सी के ऊपर। तो पार्ट सी क्या है अपना, मुझे पावर खोजना है, पावर क्या होता है। तो अब देखो, तुम लोगों ने पावर इन एसी सर्किट पढ़ा होगा, तो पावर इन एसी सर्किट में मैंने क्या बोला था कि पावर किसके अक्रॉस डिसिपेटेड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस। क्यों, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर क्या है, जीरो है। तो आई क्या है, तो आई तो है अपना वी अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर। पर क्या मुझे आरएमएस वोल्टेज गिवन है, नहीं गिवन है। मुझे क्या गिवन है, पीक वोल्टेज गिवन है। पीक वोल्टेज गिवन है तो इस वी को क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ तो इस ये जो अपना आरएमएस वोल्टेज है ये क्या है, वीएम बाय रूट टू जेड का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है वीएम क्या है, वीएम है 283 रूट टू, जेड क्या आया था 5,
इंटू आर, तो आर क्या है 3। सॉल्व करो तो ये आएगा आपका कुछ 480 वॉट। ठीक है, ये है पार्ट सी। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट डी, तो पार्ट डी में क्या होना है, पावर फैक्टर चाहिए। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। कॉस फाई मतलब कॉस माइनस 53.1। तो ये क्या होना है, कॉस में माइनस अगर होता है तो माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो कॉस 53.1 विच इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब मूव करते हैं किसके ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरीड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रिजोनेंस ऑकर्स। तो रिजोनेंस कौन से फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा, तो मैं जानता हूं ओमेगा नॉट क्या होता है, अंडर रूट एल सी। एल क्या है, एल है अपना 25.48 × 10⁻³, और सी क्या है 796 × 10⁻⁶। सॉल्व करोगे तो आया कुछ 2.1 रेडियन पर सेकेंड, यह आया ओमेगा नॉट। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, ओमेगा नॉट अपॉन 2π। ओमेगा नॉट क्या है 2 × 2.1 × 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कुछ अराउंड 66.7 हर्ट्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, ये आएगा आपका कुछ सॉल्व करने पे आएगा 30.54 हर्ट्स। ठीक है, कितना आ रहा है 35.4 हर्ट्स। ठीक है, सॉल्यूशन तो आपका पार्ट है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे सारे आंसर इतने याद नहीं है। अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द इम्पीडेंस। हाँ, तो इम्पीडेंस क्या है, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स सी का स्क्वायर। क्यों भाई, रेजोनेंस पे है ना, एक्स सी और एक्सएल क्या है इक्वल है, तो जेड किसके इक्वल है, आर के, और आर क्या है 3 ओम। बराबर, ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या पूछ रहा है, आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट क्या होना है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। पर वापस से आरएमएस वोल्टेज तो गिवन नहीं है, अपने को क्या गिवन है, पीक वोल्टेज गिवन है। तो आरएमएस वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ, वीएम बाय रूट टू जेड। वीएम क्या है 283, रूट टू जेड कितना है, जेड है अपना 5। सॉल्व करो कितना आएगा, ओ इसका आंसर है 66.7 एम्पियर। क्लियर, और फिर लास्ट केस क्या है, पावर। पावर क्या है, आई स्क्वायर आर। तो अब की बार आई क्या है 66.7 स्क्वायर। ठीक है, और आर क्या है 3। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 13.5 किलो वॉट। क्लियर, सो अब मूव करते हैं लास्ट एग्जांपल पे। लास्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन मेड टू वॉक थ्रू अ डोरवे ऑफ मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजन इफ सी और ही कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल द मेटल डिटेक्टर एमिट साउंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क। तो किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, तो किसके ऊपर काम कर रहा है, तो देखो ये होता है आपका कोई मेटल डिटेक्टर। देखे होगे आप लोग कभी जाते होगे किसी एयरपोर्ट या फिर किसी मॉल में, तो क्या होता है ऐसे हमें मेटल डिटेक्टर से पास होना पड़ता है। तो जब ये मेटल डिटेक्टर से पास हो रहे हो तो इस मेटल डिटेक्टर के अंदर क्या है, तो इसके अंदर है बहुत सारी कॉइलिंग, कॉइल है, वायर ऐसे वाउंड करके रखा है, और इसके साथ कौन कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है एक कैपेसिटर। ठीक है, और कौन कनेक्टेड है, एसी सप्लाई, और यहाँ पे जो होता है आपका एक गैल्वेनोमीटर भी होता है जो डिटेक्ट करता है चेंज इन करंट, और एक होता है बजर। बराबर, ऐसे बजर है ये, तो ये अपना स्पीकर कुछ इस तरीके का। तो जब इसमें करंट चेंज होता है, हाँ कैसे करंट चेंज होता है,
तो अब देखो ये क्या है, आपका कॉइल है, तो अब ये पहले से कहाँ पे है, पहले से ये दोनों किस पे हैं, रेजोनेंस पे हैं, किस पे हैं ये लोग, रेजोनेंस पे हैं, रेजोनेंस पे हैं। तो अब क्या किया जाए कि अब जब यहाँ से कोई पर्सन मूव करेगा जिसके पास कोई मेटल है, तो मेटल है तो क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा, इंडक्टर इंडक्टर क्या इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ, इंडक्टर की वैल्यू चेंज हो गई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो जाएगा। अब अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका चेंज हो गया तो क्या होना है, हाँ तो यहाँ पे करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो गया तो बजर क्या करेगा, साउंड एमिट करेगा, और आपको क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मेटल पार्ट है इस पर्सन के पास। ठीक है, तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स, और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मूव करते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अ 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट एंड नेट पावर कंज्यूम्ड इन अ फुल साइकिल। ठीक है, तो अब देखो वापस से अगर मैं यहाँ पे गिवन लिखना चाहूँ तो क्या है, रजिस्टेंस क्या है 100 ओम, और क्या गिवन है अपने को, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलो तो कैसे खोजेंगे हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो वी इज इक्वल टू क्या है आईआर। ठीक है, ये कौन सा वोल्टेज है, सप्लाई है ना, एसी सप्लाई मींस आरएमएस वैल्यू है, तो आई क्या होगा वी अपॉन आर, वी कितना है 220, आर कितना है 100, तो आया क्या 2.2। अब क्या चाहिए पावर, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई क्या है 2.2 स्क्वायर, आर क्या है 100, 2.2 का स्क्वायर 4.84 इंटू 100 विच मीन्स 484 वॉट। क्लियर, चल तो ये है पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्या है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज आरएमएस वैल्यू। हाँ, आरएमएस वैल्यू क्या है ये अपने खोजना है। फिर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, व्हाट इज पीक वैल्यू, तो वीएम गिवन है 300 वोल्ट। ठीक है, अब आरएमएस वोल्टेज खोलना है पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट बी में क्या गिवन है, आरएमएस वैल्यू गिवन है आई, आई क्या है 10। ठीक है, अब क्या खोजना है वी आई एम, तो आई एम क्या होना है, चलो सो स्क्रीन तो ए का सॉल्यूशन, तो वी क्या होगा, आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है वी एम बाय रूट टू। हाँ, तो वी एम कितना है भाई, वी एम है 300 डिवाइड बाय रूट टू 1.41, डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, डिवाइड करोगे तो आएगा अराउंड 220 वोल्ट। ठीक है, तो देख लेता हूँ ताकि कोई आंसर में आपके चेंज ना आ जाए। ठीक है, तो ये आ रहा है कितना 212.1 वोल्ट। क्लियर, अब मुझे क्या चाहिए पार्ट बी में, पार्ट बी में चाहिए अपने को आई एम। हाँ, इस आई एम को मैं स्मॉल से शो करता हूँ। हाँ, तो ये है आई, आई एम खोजना है, तो आई एम के लिए फॉर्मूला क्या है रूट टू आई, रूट टू मीन्स 1.41 इंटू 10 मतलब 14.1 एम्पियर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन आरएमएस करंट इन द सर्किट।
एल क्या है? 44 मिली हेनरी। वोल्टेज क्या है? 220 वोल्ट। खोजना क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। और गिवन क्या है? फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो कैसे खोजूंगा मैं? तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले आई का फॉर्मूला क्या है? वी अपॉन एक्सएल। कौन से वाले केस में? तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, ठीक है? याद है कि नहीं याद है? सेम ये फॉर्मूला। तो वी वी कितना है? 220। एक्सएल मतलब ओमेगा एल। ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ। तो लिखो यहाँ पे 220 डिवाइड बाय 2 पाई एफ एल। तो आई क्या हो जाना है? 220 टू 3.14। एफ मीन्स एफ कितना है? 50। एल मीन्स 44 × 10⁻³। क्लियर है? अब सॉल्व करो इसको। हाँ, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कुछ 15.92 एम्पियर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अ 60 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर, दिख रहा है क्वेश्चन? अ 60 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो देखो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी क्या हुआ, तो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। क्लियर? फिर और क्या गिवन है? एसी सप्लाई मींस जब भी सप्लाई बोलेगा आरएमएस वैल्यू कलेक्ट करना है अपने को। आरएमएस वैल्यू है 110 वोल्ट, कैपेसिटेंस 60, माइक्रो मींस 10⁻⁶ फेराडे। खोजना क्या है? आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट क्या? आई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स सी ना, सो वी अपॉन एक्स सी। वी एक्स सी मीन्स 1/ωc, ठीक है? तो ये आई क्या हो जाना है? वी ओमेगा सी। डिवाइड में तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ओमेगा क्या है? हाँ, वी 2πfc, ठीक है? सो आई वी मीन्स 110, 2 3.14, एफ मीन्स 60, सी मीन्स सी कितना था भाई? ये भी क्या है? 60 ही है। ओके, 60 × 10⁻⁶। मल्टीप्लाई करो, आंसर देखा जाए तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 2.49 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है आपका? इन एक्सरसाइज 7.3, 7.4, वॉट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाई ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। हाँ, तो क्या है 7.3 में? क्या है 7.3 में? है आपका इंडक्टर। 7.4 में क्या है? कैपेसिटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है वी आई कॉस फाइव, 7.5, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन है अपना। तो फाई क्या है? फाई चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, फेज डिफरेंस क्या है? 90। तो पावर क्या होगा? वी आई कॉस 90, कॉस 90 इज 0। क्लियर? तो 7.5 में हो गया। ओके, सो अब 7.6। और चार्ज 30 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। हाँ, तो कैपेसिटेंस कितना है भाई? कैपेसिटेंस है अपना 30 माइक्रोफेराडे, मीन्स 30 × 10⁻⁶ फेराडे। फिर इंडक्टर है 27 मिली, मतलब 10⁻³ हेनरी, 7.6। खोजना क्या है? व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब कौन सा ऑसिलेशन है? जब रेजोनेंस पे है। तो रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/√
एल सी, एल क्या है भाई 27 10 टू दी पावर माइनस 3, ये देखो ये 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, इसको क्या लिखता हूं मैं 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सो ओमेगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 27 इंटू 3 81 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 अंडर रूट, इसका रूट क्या होगा 81 का रूट 1 अपॉन 9 10 टू दी पावर माइनस 4, 1 अपॉन 9 क्या है 0.111 एंड सो ऑन 10 टू दी पावर 4 विच मीन्स 1 हाँ, तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो 1.11 10 टू दी पावर 3 हर्ट्स या फिर 1.11 किलो हर्ट्स, क्लियर है? यह है अपना ओमेगा। अब 7.7, अ सीरीज LCR, R है 20 ओम, लिख लो। हमेशा एक पैटर्न रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पहले सबसे पहले गिवन लिखो। जब आप गिवन लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो R है 20 ओम, L है 1.5 हेनरी, C है 35 माइक्रोफेराडे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और RMS वैल्यू क्या है 200 वोल्ट, ठीक है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाँ जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सर्किट कहाँ है, एट रेजोनेंस है, ठीक है। तो कहीं पे भी कुछ ना समझ में तुरंत कमेंट करो, कमेंट करो। हाँ फिर उसके बाद क्या करो, एक बार तो पहले वो पुरानी वीडियो देखो जाके, पार्ट वन पार्ट टू, वहाँ से तुम पार्ट वन पार्ट टू करते हो। तीन ही पार्ट में इसीलिए बनाया कि आपको कोई बहुत ज़्यादा वीडियो ना देखना पड़े, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। हाँ तीन पार्ट में ये चैप्टर ख़त्म किया हूँ मैं, देखते जाओ। कहीं कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट करो, 100% गारंटी है कि मैं उसको रिजॉल्व करके दूंगा, ठीक है। सो हाँ, और एक चीज़ और, दोस्तों को शेयर भी करो, शेयर करोगे तो उनको भी नॉलेज मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग भी मिल के साथ पढ़ो, ठीक है। और सारे डाउट सॉल्व करने लगे मैं तो हुई। तो अब हाँ, अब क्या करना है हमें, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड इन द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, तो पावर खोजना है मुझे, ठीक है। तो पावर कैसे खोजूंगा मैं, तो देखो R है, L है, C है, वोल्टेज है, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या है, एक सेकंड। तो सबसे पहले क्या करो तुम, रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे इसका मतलब क्या है, XC किसके इक्वल है, XL के। तो Z क्या होना है, Z होगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC और XL इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा सिर्फ क्या, R। Z किसके इक्वल है, R के। अब तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए इसके साथ, कई बार कर चुके हैं। तो Z है R, तो अब क्या खोजो, करंट खोज लो। तो करंट क्या होना है, I इज इक्वल टू V अपॉन Z बोलूँ मैं, तो V कितना है, V है अपना 200, Z कितना है, Z है R, और R की वैल्यू क्या है भाई 20 डिवाइड बाय 20 गया, आया क्या करंट 10 एम्पियर, करंट आया 10 एम्पियर। अब पावर, तो पावर क्या है, I स्क्वायर R, ठीक है, पावर क्या है I स्क्वायर R। तो I क्या है 10 का स्क्वायर, R क्या है 20, आना क्या है 100 इंटू 20 विच मीन्स 2000 वॉट, ठीक है, पावर क्या है 2000 वॉट, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फिगर 7.17 शो कर रहा है, फिगर दिख रहा है, LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 230 वोल्ट सप्लाई सोर्स, मतलब वही है, ये क्या है RMS वैल्यू है, L है 5 हेनरी, L क्या है 5 हेनरी,
सी क्या है 80 × 10⁻⁶, आर क्या है 14, आर क्या है 40 ओम। अब डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट, ठीक है। ओहो 7.8, इसको लिखते हैं 7.8 क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन इंपीडेंस, इंपीडेंस खोज लेंगे, फिर क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ अक्रॉस द थ्री एलिमेंट ये भी खोज लेंगे। तो सारी चीजें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ओमेगा नॉट खोजता हूँ। ओमेगा नॉट क्या होना है, 1/√LC। एल क्या है, एल है अपना 5। सी क्या है, सी है 80 फेराडे, 80 × 10⁻⁶, 5 × 80 होगा अपना 400, 10⁻⁶, तो आना क्या है 1/20 × 10⁻³। 1/20 मतलब, 1/20 मतलब 0.05 × 10³ हर्ट्ज। सॉल्व करो, हाँ अरेंज करो तो आएगा क्या 50 हर्ट्ज। सॉल्व हो गया पहला पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है अपने को, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस क्या होना है, रेजोनेंस पे है तो XC = XL है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z किसके इक्वल है R के, R क्या है 40, ठीक है हो गया। अब क्या चाहिए, करंट, हाँ सो डिटरमाइन, हाँ ये अपना पार्ट बी चल रहा है, ठीक है। करंट क्या है, V/Z, V कितना था 230, 230 डिवाइड बाय 40 गया, 23 को डिवाइड करो 4 से, तो आना क्या है 5.75 एम्पियर। क्लियर, अब ये आ गया। हाँ नेक्स्ट पार्ट सी, डिटरमाइन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो वी आर क्या होना है, वोल्टेज अक्रॉस आर, आई आर, आई क्या है 5.75, आर क्या है 40, आना कितना है 230 वोल्ट। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो कितना है 230 वोल्ट। एक्चुअली में जो आपने सप्लाई किया था वो सारा किसी अक्रॉस डेवलप हो गया है, हाँ रजिस्टर के अक्रॉस ही। तो अब इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होना है, देखते हैं आ जाओ। तो VL क्या होगा, IXL, I क्या है IωL, I क्या है 5.75, ओमेगा क्या है 50 निकाला था, हाँ L कितना है, L है 5, मल्टीप्लाई करो सबको, आएगा 1437.5 वोल्ट। क्लियर है, अब ये तो आया अपना VL। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मीन्स IXC, आई 5.75, XC का फॉर्मूला लिख दूं मैं, I 1/ωC, ठीक है। तो 1/50 और C मतलब C कितना है, C है अपना 80 μF, मीन्स 80 × 10⁻⁶। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आ रहा है 1437.5 वोल्ट। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। अब
अब जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैपेसिटर देखो, तो टोटल वोल्टेज क्या होता है अपना, याद होगा तो वी आर प्लस वी सी माइनस वी एल, जब हमने फेजर डायग्राम सॉल्यूशन किया था तो वी आर कितना है 230, और ये 1437.5 माइनस 1437.5, तो ये दोनों तो क्या है भाई, जीरो है कि नहीं है, जीरो हो जाएंगे, तो आया क्या वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ 230 वोल्ट है। ठीक है, सो आज हमने कवर क्या कर लिया है, पूरा एक्सरसाइज, पूरा एग्जाम्पल, चैप्टर 7 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट है, देखो शेयर करो। ठीक है, हाँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा पहले मैं कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं एक ही साथ जेई नीट के पीवाईक्यूज कवर करूंगा, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है, एग्जाम आ गया है सर पे, तो बोल रहे हैं कि पहले एनसीईआरटी कवर करवा दो, वो कवर करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप देखोगे मेरे रेगुलर वीडियो आते ही रहने। ठीक है, कनेक्ट हो जाओ, शेयर करो, ठीक है, लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।